नवाज सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की इयादत के लिए पहुंच गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। मरियम नवाज अपने वालिद की इयादत के लिए सर्विस अस्पताल के वीवीआई ब्लॉक में पहुंच गई हैं और अपने साथ वो खाना भी मियां मोहम्मद वाशिफ के लिए दोपहर का लेके आई हैं। और इस मौके पे जब मीडिया के सवाल पे जवाब है, मरियम नवाज का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद वाशिफ चाहते हैं कि उनको वापस जो है वो जेल में भिजवा देते। उनका मजीद ये मरियम नवाज से ये कहना था कि दुआ है अल्लाह पाक जल्द ही मियाँ साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज इस हवाले से जो है वो मीटिंग भी जारी है मेडिकल बोर्ड की जानिब से, तो इसमें यह फैसला किया जाएगा कि मोहम्मद वाशिफ को यहाँ पे रखना है या इनको वापस जो है वो जेल मुंतकिल करना है। मरियम नवाज अभी जो है वीवीआईपी ब्लॉक में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। आप भी कुछ देर यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगी। जी अच्छा बिलाल, ये भी आगाह कीजिएगा, मेडिकल बोर्ड की जानिब से इजलास भी मुनक्किद किया गया था नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से और टेस्टों के हवाले से, तो इजलास के बाद क्या खबरें सामने आई हैं, नवाज शरीफ की सेहत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, आज जो इजलास बैठा था ये सिम्स जो प्रिंसिपल महमूद अयाज हैं उनके ये रूम में ये इजलास मुनक्किद किया गया था और इसमें मियां साहब की जो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनका बगौर जायजा लिया गया और उनमें ये अभी जो है वो हतमी फैसला नहीं किया गया कि क्या रिकमेंडेशन अभी भी इजलास जारी है और रिकमेंडेशन जो है वो सीनियर प्रोफेसर की जानब से दी जा रही है। जब भी ये रिकमेंडेशन इनकी जानब से मुकम्मल की जाएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है ये शरीफ फैमिली को दी जाएगी, फिर उसके बाद एक जो है ये रिकमेंडेशन बना के महकमा दाखिला को अर्साल की जाएगी, फिर इसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद महकमा दाखिला शरीफ फैमिली के बाद इनको जो है वो ठीक है। मेडिकल बोर्ड का इजलास अभी भी जारी है जबकि मरियम नवाज अपने वालिद की आदत के लिए अस्पताल पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी आपका।